Welcome back to another vlog. This is the India's favorite scooter, the TVS N-Torq 125. और भाई ये जो स्कूटर है ना, ये हमारे पास खड़ा है रेस एक्सपी एडिशन, जो कि परफॉर्मेंस ज़्यादा देता है नॉर्मल N-Torq से. तो भाई इसका सबसे पहले मैं आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट है, यू गेट दीज लाइट्स. यहाँ पे आपको DRL है, एक बार ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ. तो यहाँ पे ये DRLs ऑन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है. यहाँ पे आपको N-Torq का लोगो देखने को मिल जाता है. कलर कॉम्बिनेशन देखो यार आप, कितना प्यारा लग रहा है ये रेड ब्लैक सिल्वर का कॉम्बिनेशन फ्रंट से. देन आपकी जो टर्न इंडिकेटर से हैंडल माउंटेड है. यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी इसके साथ आता है, उसकी बैजिंग देखने को मिल जाएगी. ब्लैक कलर का वाइजर है. यहाँ पे TVS रेसिंग का लोगो थोड़ा सा देखने को मिल जाता है. देन साइड प्रोफाइल आप देखोगे यार, स्कूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही एस्थेटिक सा और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है. यंगस्टर्स पे काफ़ी अच्छा एक स्कूटर ने इम्पैक्ट डाला है. एलॉय व्हील्स को देखोगे यहाँ पे आपको रेड कलर का मिल जाएगा. साइड में आपको 125 रेस एक्सपी की बैजिंग देखने को मिल जाती है. TVS रेसिंग का आपको नीचे देखने को मिल जाएगा. कार्बन फाइबर फिनिश में थोड़ा सा लोअर सेक्शन को यहाँ पे बनाया गया है. यहाँ पे आप फुट पैक्स देखोगे, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. यहाँ पे काफ़ी स्टर्डी है ये N-Torq के. यहाँ पे आपको फ्लोर मैट्स भी देखने को मिल जाते हैं. देन सीट जो है, सीट भी आपकी लेंदी है, काफ़ी अच्छी है. यहाँ पे 3D में N-Torq 125 लिखा हुआ मिल जाएगा. कलर कॉम्बिनेशन साइड से भी बहुत ज़्यादा ये प्यारी लग रही है. पीछे आपको फ्यूल लिड मिल जाता है, फ्यूल टैंक है, जिसके ऊपर E20, तो ये लेटेस्ट मॉडल है. यहाँ पे E20 कंपैटिबिलिटी के साथ आता है. रेयर से यू कैन सी दीज लाइट्स, बहुत प्यारी लाइट लग रही है. बहुत सुंदर स्कूटी तो ये है ही. साथ में आपको देखो यहाँ पे वेंट्स टाइप दे रखे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच यहाँ पे देखने को मिल जाता है. तो ओवरऑल स्कूटी की अपीयरेंस बहुत ही प्यारी है. यहाँ पे आपको फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती. साइड में आपको किक भी है यहाँ पे. तो ओवरऑल सारी चीज़ें स्कूटी के साथ ऑफर होती है. अंडर सीट स्टोरेज भी आपको एक बार दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे आपको फ्यूल लिड अगर खोलना है तो आप इस तरफ को टर्न करेंगे, यहाँ से आपका फ्यूल लिड खुल जाएगा. एंड देन जस्ट प्रेस इट हार्ड, इस तरफ को करोगे तो आपकी सीट खुल जाती है. एंड यहाँ पे आप देखो हाफ फेस हेलमेट बहुत इजीली आ जाता है. मैंने जो हेलमेट पहना यार फुल फेस वो तो नहीं आ पाएगा, बट हाफ फेस हेलमेट इजीली आ जाता है. उसके बाद भी यहाँ पे स्टोरेज की थोड़ी सी जगह मिल जाती है. इस तरीके से यहाँ पे TVS के जो पेपर्स वगैरह है वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं. इसके अंदर आपका चार्जिंग पोर्ट भी आ जाता है यहाँ से, तो आप चार्ज वगैरह कर सकते हो अपने डिवाइस को अंदर रख के ही. OBD का यहाँ पे सेंसर है और क्लीन है. ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है. इसको हम बंद करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक हैंगर मिल जाता है, जिससे कि आप सामान वामान रख सकते हो. अंडर सीट यहाँ पे कोई भी वो नहीं है ऑप्शन. तो भाई इंजन के बारे में बात करते हैं इसको चलाते हुए. सो लेट्स राइड. उससे पहले मैं आपको स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ. ये स्पीडोमीटर जो है ये स्मार्ट कनेक्ट के साथ आता है, तो आपकी नेविगेशन वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती है. मैसेजिंग वगैरह, नोटिफिकेशन सारे इनेबल्ड हैं. तो चाबी तो यहीं लगी रह गई. एंड इधर आपकी कीज डलेंगी. जस्ट टर्न इट ऑन एंड दिस इज़ द डिस्प्ले. यहाँ पे आपको नेटिव डिस्प्ले मिल जाता है, कलर डिस्प्ले नहीं है. यहाँ पे आपका ट्रिप, ए ओडोमीटर, टाइम, स्पीड, हीट, फ्यूल गेज, स्ट्रीट मोड, मोड्स आते हैं इसके अंदर. तो यहाँ पे जैसे ही आप स्कूटर ऑन करोगे, मोड का बटन प्रेस करोगे, तो यहाँ से आपका जो रेस मोड है वो आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ. एंड उसके साथ ही रेस मोड के अंदर आप देखोगे यहाँ पे टाइमर आपको देखने को मिल जाता है. 0 to 60 स्पीड आपकी नोट होती है. लैप टाइमिंग यहाँ पे आ जाती है. और या दैट्स इट. उसके अलावा यहाँ पे आपको लो फ्यूल की वार्निंग देखने को मिल जाएगी. और पावर मोड है कि इको मोड है वो दिख जाएगा. हैजार्ड की लाइट यहाँ पे दिख जाएगी. हाई बीम, लो बीम. सो दिस इज़ द ओवरऑल सेटअप. नाइस, क्लीन, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. यहाँ पे रेयर व्यू मिरर्स, लेंथ अच्छी है. यहाँ पे रेयर का आपको सारी चीज़ें ईजिली दिख जाएंगी. व्यूइंग एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो चलो यार इसको एक बार चला के देखते हैं. तो नॉर्मल मोड पे ही डाल लिया जाए. तो भाई यहाँ पे अब हम चला रहे हैं द ऑल न्यू TVS N-Torq 125 रेस एक्सपी एडिशन. और ये स्कूटर जो है ना पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. 124cc का एयर कूल्ड इंजन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है. प्रोड्यूस करता है 10.4 BHPs एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 Nm ऑफ टॉर्क. और रेस मोड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर 10.06 या 07 जो है इसका वो रेस मोड के अंदर ये पावर प्रोवाइड करती है. तो थोड़ा सा आपको बम्प तो देखने को मिल ही जाता है, बट अदरवाइज स्कूटी की जो पिकअप वगैरह है सारी चीज़ें हैं दैट इज़ वेरी गुड.
और जिस प्राइस पॉइंट पे ये स्कूटी आती है दैट इज़ रियली नाइस, क्योंकि उसके हिसाब से आपको फीचर्स वगैरह बहुत सारे यहाँ पे ऑफर हो जाते हैं। ये जो कंप्लीट यूनिट है ये फ़ोन से कनेक्ट होने वाला ही है। तो फ्रंट में 220 mm की डिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, रेयर में ड्रम ब्रेक है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। तो ये जो चीज़ है ये आपके स्कूटीज़ के अंदर वैसे भी आता ही है, ऑफ़र किया ही जाता है, तो ब्रेकिंग आपकी थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाती है, एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं एंड ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। देन टायर्स आपका फ्रंट में 100 सेक्शन, रेयर में 110 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ग्रिपिंग भी जो है टायर की दैट इज़ रियली नाइस, MRF के यहाँ पे टायर्स ऑफर हो जाते हैं आपको। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना यार, वो है इसकी परफॉर्मेंस। स्कूटी भागती बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया भागती है ये। फ्यूल टैंक की बात करें तो 5.8 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एवरेज प्रोवाइड कर देता है अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50, एंड कुछ कंडीशंस में आप चाहो तो 50 से अबव भी मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं चला रहे, स्मूथली चला रहे हो, डेली यूज़ में आपको 40 से 50 है, और बाकी उससे प्लस आपके राइडिंग पे डिपेंड करता है आपको मिल सकती है। अंडरसी स्टोरेज के अंदर आपको 22 लीटर्स का स्टोरेज मिल जाता है, जिसके अंदर आपको USB कनेक्शन सारी चीज़ें हो जाती है, मैंने आपको दिखाया ही था। तो एक स्मॉल हेलमेट आ जाता है, फुल हेलमेट नहीं आ पाता, बट अदरवाइज जो ओवरऑल थोड़ी स्पोर्टी है, तो भाई अगर आप इसे चला रहे हो डे टू डे बेसिस पे तो नोटिसेबल है ये चीज़ कि भाई ये स्कूटी है बढ़िया। और यार एनटॉक तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही, ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में। अगर आप कंपेयर करोगे, इसके टाइम पे कुछ स्कूटीज़ आई थी जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थी, जस्ट लाइक दी एप्रिलिया एंड ऑल, बट वो ओवर एक्सपेंसिव थी एंड एनटॉक ने अपना रेट निकाल के उन सबको नीचे करा है। तो भाई स्कूटी चलाने में मज़ा तो आ रहा है यार, स्कूटी चलाने में तो खैर मज़ा आता ही है। अब बाइक चलाने के बाद अगर स्कूटी चलाओ ना, तो ये जो गियर शिफ्टिंग का जो लोचा होता है ना, इससे आपको मुक्ति मिलती है और डेली राइडिंग सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। एंड स्पेशली जब आप कुछ एनटॉर्क जैसा चला रहे हो जिस पे आपको पावर रेडिली अवेलेबल मिलती है, तो वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। 125cc है, ऑलमोस्ट 125cc बाइक जितनी पावर मिल ही जाती है आपको। देन स्टोरेज वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जो लोग 125cc बाइक की तरफ जाते हैं वो स्कूटी को अपना ऑप्शन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे आपको हज़ार्ड स्विच भी मिल जाता है, यहाँ पे हज़ार्ड लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। अगर कभी ब्रेक डाउन हो जाए आप हज़ार्ड का यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है, पास बटन आपको मिल जाता है। जनरली क्या होता है, पास बटन्स नहीं होते, बट यहाँ पे आप स्विच दबाओगे तो आपको पास का वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपका इंडिकेटर स्विच है, देन यहाँ पे हॉर्न आ जाता है आपका, यहाँ से आप मोड भी चेंज कर सकते हो, वॉइस असिस्ट भी है एंड स्कूटी स्टार्ट भी होती है। तो ये काफ़ी मल्टी यूटिलिटी बटन है का, जिससे आप काफी सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग की बात करोगे तो इस स्कूटर का प्राइस स्टार्ट हो जाता है XP एडिशन का 1.2 लाख एक्स शोरूम से। तो प्राइस जो है आपके वेरिएंट टू वेरिएंट डिफर करते हैं, अगर रेस XP एडिशन नहीं है तो फिर उसका प्राइस थोड़ा सा कम है, बट XP एडिशन का 1.2 लाख एक्स शोरूम है, तो वो आप बताइए कि आपको प्राइस जस्टिफाइड लग रहा है कि नहीं। बाकी इसके अंदर भाई ये पहली स्कूटी है जो कि 10 BHP के अराउंड प्रोड्यूस कर रही है अपने सेगमेंट के अंदर, 125cc सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा जो भी इसके अंदर जो फीचर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 फीचर्स, जो आपको नेविगेशन, वॉइस असिस्ट सारी चीज़ें मिला के आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 फीचर्स ऑफर करते हैं। सो दिस इज़ अ रियली नाइस थिंग, बहुत अच्छी एक ऑफरिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत एक प्यारा बन जाता है। सो नाउ दिस इज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द TVS एनटॉर्क SP रेस 125। कैसा लगा ये आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।